हेलो दोस्तों, मैं आज आप सबको एक कौवे और लोमड़ी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। एक जंगल में एक लोमड़ी भूखे प्यासे बैठा हुआ रहता है। वह भोजन की तलाश के लिए सोचता है और कुछ समय बाद वह जंगल में भोजन की तलाश के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद लोमड़ी को एक पेड़ में एक कौवे नज़र आता है जिसने अपने मुंह में एक रोटी लिए हुए रहता है। लोमड़ी अपना चालाकी करना शुरू कर देता है और उसने कौवे को उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है। कहता है कि कौवे बहन, तुम बहुत सुंदर गाती हो, एक बार गा कर सुनाओ ना। कौवे अपनी झूठी प्रशंसा सुनने के लिए जोर जोर से काँव काँव करने लगती है। इतने में उसका रोटी कौवे के मुंह से नीचे गिरने लगता है और फिर तुरंत लोमड़ी उस रोटी को अपने पास ले लेता है और खा जाता है। कौवा बुद्धि से काम नहीं करता है। दोस्तों, सभी को बुद्धि से काम लेना चाहिए।